शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उन्हीं का कृपा चलता है भैया ऊपर। और यहाँ पर ना पटना के फेमस संतोष जी हैं, उनका इडली खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये है अरे संतोष जी का जोड़ नहीं है भाई, इनका इडली पहले खाओ उसके बाद तब तुम बात करना। संतोष जी का ये सेटअप है छोटा सा। रसमलाई लग रहा है, इतना संतोष जी का प्यार भरा हुआ है ना, इतना भरा हुआ है कि कोई आगे कहेगा कोई पसंद नहीं आया तो संतोष जी विश्वास नहीं करेगा। दिल से झूठ बोल रहा है ना। हाँ झूठ बोल रहा है, पसंद करके भी नहीं बोलते। हम कोशिश ये ऐसा इडली खिला दें कि ऐसा इडली बनाना धरती पर पैदा ना हो, हमें पैदा हुआ है। वाह, पर इडली बनाने में कम से कम तो मेरा अंदाजा है कि हमको भी पता नहीं कितना आइटम इसमें है। अच्छा, मतलब अनगिनती आइटम है। 30-35 तरह का खड़ी गर्म मसाला दिल्ली से मंगा कर डाला हुआ। अरे मेरे लड़की दिल्ली में रहती है, जो करते थे हम ही ला लेते हैं दिल्ली से गर्म मसाला। अच्छा, वही चाहता है क्योंकि संतोष जी भैया जी जो है पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे इतना भोला बाबा कहते हैं कि स्वाद जब भी आएगा तो मसाला से, मसाला में कमी करोगे तो स्वाद में कमी आएगा, स्वाद में कमी आएगा तो कस्टमर में कमी आएगा, और कस्टमर में कमी आएगा तो नोट में कमी आ जाएगा, और नोट में कमी आ गया तो फिर कहाँ से 5,000 किराया पड़ेगा, ट्यूशन चलेगा, स्कूल चलेगा, बुढ़िया बिस्तर बांधो और चले जाओ। इसलिए हम सोच रहे हैं भैया नहीं, रेट चाहे जितना चले उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको है स्वाद। कहा इसी का डायलॉग है, कहा गया है कि इडली तो बढ़िया लगता है मसाला पड़ने के बाद, इडली तो बढ़िया लगता है मसाला पड़ने के बाद, और चिड़ैया टापुर का राजधानी इडली का रहता है भैया जी एक बार खाने के। इडली वाले संतोष जी कहते हैं कि मेहंदी तुरंग लाती है हाथ में लगाने के बाद, और चिड़ैया टापुर का अनमोल इडली का रहता है रानी जी एक बार खाने के। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाश्वत है। भैया जी आप आए, आप कहें संतोष जी जरा अपना इडली बनाइए, अच्छा बढ़िया खिलाइए। संतोष जी जब इडली बनाना शुरू करता है तो एक मसाला से दूसरे मसाला मिलते जा रहा है, देखते जाइए, और थोड़ा सा भींग जाता है, और इसी पर थोड़ा सा भोला बाबा का नाम लेके, गिलहरी राजा का नाम लेके, सरस्वती मैया का नाम लेके, दुर्गा मैया का नाम लेके थोड़ा सा आवाज डालते हैं तो गाना बन जाता है, जो कि सुनने वाला भी कैसा बना दिया गाना है। भींगे नहीं इडली भींगर चटनी भींगे नमक वाना, अरे भींगे नहीं इडली भींगर चटनी भींगे नमक वाना, तनी ऊपर से छीट दे मिर्चा पाउडर वा, तनी तीता बनई है ना, तनी ऊपर से डाल दे जीरा पाउडर वा, स्वादिष्ट बनई है ना, अरे भींगे नहीं इडली भींगर चटनी भींगे मसाला ऊपर से डाल दे स्वादिष्ट बनई है ना। गिलहरी राजा सीखे भैया जी, मेरा दोस्त है गिलहरी जो पेड़ पर रहता है, उससे इतना दोस्ती किए कि मेरे हाथ पर बैठ कर खाता था। पहले दोस्ती किए तो मैं हाथ पर, पहले दोस्ती हुआ तो फेंकने के करते थे, जब मेरे ने मन किया कि मैं इसको हाथ पर बैठा कर खिलाएंगे, ये भी क्योंकि राम भगवान का भक्त है गिलहरी। मैं एक दिन मूड हुआ तो बड़ा कोशिश किया नहीं आया, मेरे एक दिन अगर झाड़ू दे रहे हैं ना तो बाजी पर आके बैठ गया, तो मेरा आत्मा पर लगा कि ना दोस्ती करें तो मेरे हाथ पर आएगा। एक दिन मन हुआ दोपहरिया में कोई नहीं था, हम ही था वो था, हम कि चला यार कुछ नहीं करेंगे, सब ज्योता देवी के नाम लिया नहीं आया, मैं जब भोले बाबा का नाम लिए चला, उनका भक्त हम भी हैं,
दिन भर उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। बस एक मिनट के अंदर आके बैठ गया, तब से लगता है कौन देश में कौन आता है कोई नहीं जानता। और गिलहरी को लड़की बनते जो है कि अपने आंखों से देखा है सपना में, तब से लगता है कि दुर्गा मैया से भेंट हो गया। एक इटली बेचने वाला गाना कैसे बना देगा, एक से एक डायलॉग कैसे बनाएगा, ये मानने वाला बात नहीं है। दो मैडम जी आई बोरिंग रोड से इडली खाने के लिए, खेला के बाद कहता है संतोष जी को बात बोलिए, बोलिए ना एक बात चाहे सौ बात बोलिए, कह रहा है कि जो मैया 20 में आया ना वो मैया 240 में नहीं आया। हम कि मतलब मैडम नहीं समझे हैं, हम चकड़ा के पूछे तो इडली खा कर संतोष जी 240 का मीडिया वाले बगल में ट्रेन भी जा रहा है, टंकी भी है, अब चिड़ैया टारपुर में देखते थे मगर खाए नहीं, मजा आ गया क्या दुल्हन के तरह। आज के बाद होटल नहीं जाएंगे, जब आ गया उसको हम कहें कि मैडम जी वो हम भी ऐसा इडली बनाएंगे इसका नाम धरे अनमोल इडली, इसका प्रचार चल रहा है गाना अनमोल का, मतलब कोई मोल नहीं और बनाने की कोशिश तो बना रही 100 रुपया लाइक लगे। तो वो इडली गाना है कि आ जाना जब खाना हो चिड़ैया टपुर के राजधानी इडली, चिड़ैया टपुर पर ला जाना, जब खाना हो चिड़ैया टपुर के अनमोल इडली, चिड़ैया टपुर पर ला जाना, जब नींद आए नैरा तो की रानी, जब मन करे चिड़ैया टपुर बेतानी, जब नींद आए नैरा तो की रानी, जब मन करे चिड़ैया टपुर बेतानी, अरे इडली बोलाए चटनी और गिलहरी राजा करे छेड़ खानी, जब सुनना हो इडली के आवाज चिड़ैया टपुर पर आ जाए पटना धरती पर रख, पटना में इंडिया में रह के संतोष जी के इडली नहीं खाए चिड़ैया टपुर पर ना तो कुछ भी नहीं खाए। इसलिए क्या इडली बनाने वाले को है कि भोला बाबा से साथ साथ ऐसा दर्शन हो ऐसा महसूस होता है। हम देखिए एक बार में भोले बाबा कितना नाम देते हैं ये हम भी नहीं जान पाते, मरे की कोशिश करते हैं उसमें, और अगर मसाला लगे तो और दीजिए। नहीं मस्त है, आपको इतना हरा मिर्चा लेना है तो उसमें साथ हरा मिर्चा कटवा लेंगे, हरा मिर्चा कटवा बहुत मस्त है, एक बार खाएं उसी में मजा आ गया। इडली खा लिया यहाँ पर और उसका वो आदमी यहाँ पार कर रहा है और संतोष जी है और उसका ब्रेक नहीं लगा तो ऐसा इडली बनाना बेकार है, इससे बढ़िया की बने गए ब्रेक लगेगा। तुम भी उसका गाना गुनगुना रहे हो भाई, अच्छी गाना। मौसम बहुत सुहाना हो गया है जी, अद्भुत मौसम हो गया है, मौसम सुहाना हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। तब पटना का वर्ल्ड फेमस इडली खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इडली खाने के बाद इडली में जहाँ पेट में मतलब संतुष्टि का, संतोष जी का इडली खा के संतुष्टि हो गया था, संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। अभी तो हम लोग का यदि चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, और इसी तरह का हम लोग आपको संतोष वाला सब वीडियो से दिखाते रहे, इससे हम लोग को हिम्मत मिलेगी और कुछ करने के लिए। बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सबका पढ़ाई कीजिए।